नमस्कार मित्रांनो भारतीय न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे सी ए ए म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेतला जाणार नाही असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं आहे संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केंद्र सरकारने सोमवारी लागू केला त्या संदर्भातील अधिसूचना देखील काढण्यात आली असून लोकसभा निवडणुकीसाठी महिनाभराचा कालावधी उरला असताना केंद्राने हा अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे संदर्भात उद्धव ठाकरेंनी जी टीका केली त्यानंतर उद्धव ठाकरेंना अमित शहा यांनी खुलं आव्हान दिलं आहे ए यांना या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहा यांनी आक्रमक होत उद्धव ठाकरे यांना आव्हान दिलं आहे सी ए ए कायद्याविषयी बोलताना अमित शहा काय म्हणाले तर अमित शहा म्हणाले की सी ए ए कायद्यात विविध तरतुदी आहेत सूचित जी क्षेत्र येतात तिथे सी ए ए लागू नाही कुणी तिथून अर्ज केला तरीही तो अर्ज स्वीकारला जाणार नाही सी ए ए कायदा हा भारताचा नागरिकत्व देणारा कायदा आहे कुणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेणारा हा कायदा नाही केरळ पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांना हा कायदा नाकारण्याचा अधिकार नाही कारण हा कायदा नाकारण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे हा विषय केंद्राचा आहे केंद्र आणि राज्यांचा हा विषय नाही असंही अमित शहा यांनी म्हटलं आहे सी ए कायद्यावर बोलताना उद्धव ठाकरे असं म्हणाले होते की तुमचं अपयश झाकण्यासाठी तुम्ही हा कायदा आणला आहे याबाबत अमित शहा यांना विचारला असता अमित शहा म्हणाले की मी उद्धव ठाकरेंना विचारू इच्छितो तुम्हाला हा कायदा हवा की नको तुम्हाला हा कायदा हवा की नको हे स्पष्ट करा उद्धव ठाकरे हे सांगू इच्छितात काय की हा कायदा नको म्हणून देशाच्या जनतेला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे उद्धव ठाकरे यांना मी आव्हान देतो की त्यांनी हे स्पष्ट करावं की हिंदू बौद्ध जैन ख्रिश्चन या शरणार्थींना नागरिकत्व देणारा कायदा यायला नको म्हणून उद्धव ठाकरेंनी हे सांगितलं आहे की राजकारण करू नका मी थेट उद्धव ठाकरेंना विचारतो आहे की त्यांची भूमिका त्यांनी स्पष्ट करावी उद्धव ठाकरेंना यांना मतं हवी आहेत म्हणून ते राजकारण करत आहेत आमची पहिल्या दिवसापासून ही भूमिका आहे की देशाची फाळणी झाल्यानंतर जे लोक भारतात शरणार्थी म्हणून आले त्यांना नागरिकत्व मिळालं पाहिजे उद्धव ठाकरे यांच्यावर सी एवरून टीका करताना अमित शहा काय म्हणाले ते एका तसेच अमित शहा यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर देखील सी ए एवरून टीका केली आहे ते पण आहे का तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि भारती न्यूज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद संविधान आ, के बारे में बात करें तो यूबीटी जो ग्रुप है शिवसेना की वो कहते हैं कि आपकी विफलताओं को छुपाने के लिए आ, आप... मेरा, मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है हुँ. कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए हुँ. मैं आज उनका आह्वान करता हूं देश की जन, जनता के सामने महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें किए नहीं होना चाहिए हिंदू शरणार्थियों को बौद्ध शरणार्थियों को जैन बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए एक बार उद्धव जी स्पष्ट करे जरा आपका इशारा बाल आई की? आप कर रहे हो टाइमिंग का का सवाल तत्व क्यों चर्चा नहीं करते हो आपका इशारा बाल ठाकरे की तरफ नहीं मेरा तो उनकी और है बाल ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं वो स्पष्ट करे क्योंकि वो पहले बोलते थे जो नहीं पार्लियामेंट में भी बोले हैं अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए एपिस्मेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हमारा डे वन से स्पष्ट स्टैंड है कि भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं ये तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं वहां के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए ममता बैनर्जी पे आती हूँ चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं और उन्होंने का ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियाँ छिन जाएंगी आपके बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं तो ये सी के ज़रिए पंद्रह से लेके बीस लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी देखिए मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए आप खुद बंगाली हैं बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से वो खौफ पैदा कर रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच में विकवाद कराना चाहती है अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है ममता जी इसको मत रोकिए करने जैसा काम है घुसपैठ रोकी जो बाकी समुदाय बाकी जो रिलीजन हैं, चाहे हिंदूज़ हैं जैन हैं बुद्ध हैं सिख हैं उन सबको तो मैं मानती हूँ ठीक है देवर वो जो रिलीजन है देवर नॉट बॉर्न इन इंडिया तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं देखिए मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो भारत कहां बता है अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और, और स्मिता जी आप आंकड़े की गहराई में जाइए जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में तेईस प्रतिशत हिंदू थे हिंदू और सिख थे आज तीन पॉइंट सात प्रतिशत बच गए कहां गए सारे इतने सारे तो यहां आए नहीं धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन हुआ अपमानित किया गया दो एम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया कहा जाएंगे लोग क्या देश इसका विचार नहीं करेगा देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी देश की पोलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए इसमें अहमदी मैं बांग्लादेश मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ जी उन्नीस में हिंदुओं का प्रतिशत 22 प्रतिशत था मैं इक्यावन की बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की इक्यावन के आंकड़े ऊपर हमारे पास है 2011 की जनगणना में वो 10 प्रतिशत रह गए कहाँ गए वो लोग अफगानिस्तान उन्नीस के पूर्व मैं बयानवे के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध लगभग लगभग दो लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब करीब 500 बच गए क्या इन लोगों को अपनी बिलीप से जीने का अधिकार नहीं है वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे हमारे ही भाई है हमारी ही बहन है हमारी ही माता है अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया